श्री श्याम मित्र मंडल श्री श्याम मंदिर सीतामढ़ी के तत्वाधान में 3 दिवसीय श्री श्याम फाल्गुनोत्सव का भव्य शुभारंभ श्री श्याम बाबा की विशाल शोभा यात्रा के साथ गुरुवार को हुआ। श्री श्याम मंदिर में बाबा के दिव्य श्रृंगार के साथ दर्शन को अहले सुबह से ही भक्तों का जत्था उमड़ने लगा। दर्शन के बाद गाजे बाजे एवं रंग बिरंग के परिधानों में बाबा के निशान के साथ शहर में विशाल निशान शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। वसुश्री चौक कोट बाजार महावीर स्थान रतन चौक जानकी मंदिर होते हुए सीताराम चौक विजय शंकर चौक सिनेमा रोड होते हुए वापस मंदिर पहुंची, जहां समस्त निशान श्री श्याम प्रभु के चरणों में समर्पित किए गए। पूरी यात्रा के दौरान भक्तगण भगवत भजन पर झूमते नाचते गाते रहे और श्याम बाबा की जय जयकार करते रहे। नगर परिभ्रमण के दौरान जगह जगह निशान यात्रा पर आमजनों ने पुष्प वर्षा की एवं सत्कार किया। श्री श्याम मित्र मंडल श्री श्याम मंदिर सीतामढ़ी के अध्यक्ष राजेश गोयंका एवं सचिव प्रिंस मोहता ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने सभी श्याम प्रेमियों से इस आयोजन में भाग लेने की अपील की। बैरगनिया प्रखंड के जमुआ पंचायत में जमुआ घाट पे पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व विधायक मोतीलाल प्रसाद। बता दें कि जमुआ घाट का ये पुल सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण दोनों जिले को आपस में जोड़ती है, जो पूर्ण रूप से तैयार है। थोड़ा पुल से जोड़ने वाले सड़क का कार्य अधूरा है, जिसे पूर्व विधायक जी द्वारा कहा गया कि इसे जल्द पूरा करवाया जाएगा, ताकि ग्रामीणों एवं चंपारण जिले से आने जाने वाले लोगों को आने वाले बरसात के मौसम में कच्ची सड़क होने की वजह से कोई परेशानी न हो, इसलिए इस पर जल्द पिच तैयार होने का आश्वासन दिया। मझौलिया इंडियन गैस एजेंसी के ऑफिस का ताला काटकर हुई लाखों की चोरी। मझौलिया नानोसती रोड ITI के समीप इंडियन गैस एजेंसी में ऑफिस का ताला काटकर हुई चोरी। घटना शुक्रवार की देर रात की है। बताया जाता है कि गेट का ताला काटकर चोर अंदर दाखिल हुए, जिसमें नकदी राशि 3 लैपटॉप कैमरा का हार्ड डिस्क SB कनेक्शन पेपर आदि की अज्ञात चोरों ने बीती रात्रि चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उधर बगल के शीतल पेयजल में भी चोरों ने एक पानी का मोटर 10 पानी बोतल एवं 10 नल अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। इस घटना की जांच मझौलिया पुलिस ने शुरू कर दी है। सुबह सूचना मिलने पर स्थानीय थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की जानकारी ली। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि अज्ञात चोरों के विरुद्ध अनुसंधान जारी कर दी गई है, जल्द ही अज्ञात चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी कर शराब कारोबारी के मंसूबे को नाकाम कर दिया। बीती रात्रि को पुलिस ने शराब कारोबारियों के एक बड़ी खेप को जब्त किया है। 2 शराब कारोबारी के साथ 1 बोलोरो 3270 बोतल नेपाली शराब एवं 16 लीटर देसी शराब को जब्त किया है। इस छापेमारी से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी दल का नेतृत्व प्रशिक्षु IPS कर रहे थे। उनके अलावा सुनील कुमार तिवारी, मोहम्मद जबार, RN ओझा सहित पुलिस बल शामिल थे। माधोपुर चौक के समीप साइकिल और बाइक की आमने सामने से टक्कर हुई। बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार माधोपुर मलाही टोला के प्रधान अध्यापक बताए जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में भेज दिया गया है।